नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमवी प्रॉपर्टीज में। मेरा नाम है मानव वर्मा, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। तो बेसिकली आपका ही चैनल है, आपके चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2 BHK फ्लैट, जो कि है बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में, जिसमें काफ़ी सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कैसा होने वाला है। उससे पहले एक सूचना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे चैनल के द्वारा सेल हो या आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारा नंबर ये चल रहा है नीचे, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी बात हो जाएगी, देन सारी चीज़ें आपको समझा देंगे ये कैसे काम करना है, क्या होगा, कैसे आपकी प्रॉपर्टी हम आप अपने चैनल पर सेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से हमें कॉल कीजिए अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है। ये वाला जो नंबर दिख रहा है ये, हाँ, तो इस पर ही कॉल करना है आपको। तो अभी फ़ोन कीजिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस बहुत ही बढ़िया फ्लैट को। तो आप कह रहे होंगे हम पुरानी वाली जो वीडियो है उसी के सेट पे आ गए दोबारा से, तो नहीं दोस्तों, ये सेम बिल्डिंग का 2 BHK फ्लैट है। वो वाला 1 BHK था, तो सेम उसी तरीके का है। अगर आपको 1 BHK नहीं पसंद आया, 2 BHK लेना है, बड़े साइज का लेना है और कम बजट में लेना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरी वीडियो को हमेशा एंड तक देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि एंड में मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ, काफ़ी सारे कई बार मैं डिस्काउंट देता हूँ, जिससे कई वीडियोज़ में मैंने पहले डिस्काउंट दिया हुआ है कि अगर आप मेरे नाम से आएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है मैं किसी भी वीडियो में डिस्काउंट आपको बता सकता हूँ, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि जो है इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी होती है उसमें। तो ठीक है गाइस, आइए पहले इस फ्लैट को देखते हैं। एंट्रेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपकी एंट्रेंस और बहुत ही प्यारा, और सामने की तरफ आपका वॉशरूम है, इसके पीछे किचन है, और ये दोनों जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं हमारे रूम की एंट्रेंस है। तो ये वाला हमारा मास्टर बेडरूम है और ये वाला हमारा नॉर्मल है, तो बेसिकली साइज़ में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके साथ आपको वॉशरूम मिल जाता है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है बालकनी मिल जाती है। तो उससे पहले हम आके देखते हैं अपने हॉल को। तो हॉल में सेम आपका वही टील ग्रीन कलर का पैटर्न वाला, यहाँ पे बहुत प्यारा आपका काम हो रखा है पेंट का। अगर वॉल की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको जो है वॉल लग रही है, और फ्लोर्स बहुत प्यारा है यहाँ पे वाइट कलर का। तो हॉल के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 16.5x10 feet का आपका ये पूरा हॉल होने वाला है। सामने की तरफ आपकी जो है मेन एंट्रेंस है, ये हमारा वॉशरूम है, और यहाँ पर मेरे पीछे यानी कि अब यहाँ की ये है हमारा किचन, और बहुत प्यारा है यहाँ पे जो है किचन में मॉड्यूलर आपका काम हो रखा है। सारी चीज़ें आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगी, कैबिनेट्स मिल जाएंगे, ऊपर आपका वाइट कलर में है, नीचे आपका जो है वो ब्राउन कलर होने वाला है। और स्टोरेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपका जो है स्टोरेज होने वाला है यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं आप, और ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा जो है आपका स्टोरेज है यहाँ पे। नीचे की तरफ आपकी ड्रॉर्स वगैरह बनी हुई हैं, स्टेनलेस स्टील के आपके यहाँ हैंडल्स लगे हुए हैं, और यहाँ आपका जो है सामने जो है चिमनी का स्पेस है, तो चिमनी आपको लगा के दी जाएगी। इस तरफ आपका आरओ मिलेगा, यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील की जो है टैप्स वगैरह मिलती हैं, तो पानी वानी का इस सब में आता है, ठीक है। तो आप दो टाइप का पानी आएगा इसमें, तो कैसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ सामने आपका स्विच आपको मिल जाता है आरओ के लिए, ये आपका सिंक है, और नीचे ही आपका डस्टबिन वगैरह रखने के लिए एरिया आपको बना के दिया जाता है। तो ऑल ओवर किचन की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 8x6 का यहाँ पे किचन होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा और स्पेशियस किचन हम इसको कह सकते हैं। इसी के बगल में आपकी शाफ्ट है, जिसमें आपकी जो है यहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई है, और बहुत ही प्यारी विंडो है, और ये आपका वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम बना रखा है। नीचे जो आप येलो कलर का एक पाइप देख रहे हैं, वो बेसिकली IGL की गैस पाइपलाइन है, जिसकी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो प्रॉपर आपका IGL का यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएंगे, और भी फैसिलिटीज़ हैं वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखना। और ये अब जो है आपका वॉशरूम होने वाला है, तो यहाँ पे भी सामने जो ब्लू लाइट देख रहे हैं यानी कि वो जो बोर्ड है वो है आपका गीज़र के लिए, गीज़र की फिटिंग्स है, गीज़र लगा के दिया जाएगा। प्लस में आपका जो है वेस्टर्न सीट मिल जाती है, और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे वॉल्स पे जो टाइल है लगी हुई है, नीचे साइड थोड़ा सा ब्राउन है, ऊपर आपका वाइट है, और बहुत प्यारे फ्लावर पैटर्न बने हुए हैं। और प्लस में आपको बेसिन लगा के दिया जाता है,
और ऊपर आपको लाइट वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे होल्डर भी दिया जाएगा, लाइट वगैरह सारी इसमें लगा के दी जाएगी। तो इसके साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है आपका 6x4 फिट का यहाँ पे वॉशरूम होने वाला है, जो कि काफ़ी सही है। और साथ में ही बात करें तो ये जो है आपके 2 रूम होने वाले हैं, क्योंकि ये MIG है, यानी कि 2 BHK आपका ये मिलने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग ये वाले रूम को देखते हैं जिसमें वॉशरूम है, एंड देन हम बालकनी की तरफ चलेंगे। और पेंट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सीलिंग पे बहुत प्यारा डिज़ाइन वॉल से मैच करता हुआ, और वॉल पे भी बहुत अच्छे पैटर्न्स येलो कलर के, तो वॉल पे भी बहुत अच्छे यहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं। और काफ़ी सही जो है आपको ये वॉल मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा साइज़ बेसिकली हम कह सकते हैं अपने रूम का। ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया साइज़ आपको मिलने वाला है। ऑलमोस्ट जो है साइज़ की बात करें तो ये हमारा 12x10 का पूरा रूम है, प्लस में हमारा जो है वॉशरूम अटैच है। और ये वाली जो विंडो आप देख रहे हैं ये है बालकनी की तरफ खुलती है, और ये हमारा वॉशरूम है। यहाँ पे भी आपके गीज़र की फिटिंग है, और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे आपको जो वॉल पे जो टाइल्स लगी हुई हैं काफ़ी अच्छी हाइट तक है। शावर है प्लस में कॉर्नर बेसिन है, और यहाँ पे भी आपको वेस्टर्न सीट मिल जाती है। आप चाहें तो इसे इंडियन भी करवा सकते हैं। और इसके साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 5x4 फिट का ये भी एक हो जाता है। तो 2 आपके जो है इसमें बाथरूम मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा इसमें आपके बाथरूम का भी साइज़ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे रूम की। तो यहाँ अपने रूम के एंट्रेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको ये जो है मिलने वाला है, और यहाँ से व्यू देखें तो काफ़ी अच्छा हमारे रूम का व्यू आता है। सामने आपको डबल डोर का जो है कवर्ड मिल जाता है इस तरफ, और ये आपका पूरा पैनल है डोर और विंडो का, जहाँ पे इजीली आप अपना विंडो ए सी भी लगा सकते हैं। और सामने आपकी जो वॉल है बहुत प्यारा रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, दूसरे रूम में जो है येलो कलर कम है और रेड कलर ज़्यादा है इसमें, ये रेड कलर कम है, और काफ़ी अच्छा जो है पैटर्न आपको मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वॉल, और सेम उसी टाइप का जो आपका सीलिंग पे भी सेम ही टाइप का डिज़ाइन है, और फैन वगैरह लगा के दिए जाएंगे। और प्रॉपर आपका जो रूम है बहुत प्यारा लग रहा है, एक वॉल आपके डिफरेंट कलर सेम करके बाकी वॉल्स हैं, इधर आपको लाइट लगा के दी गई है, और यहाँ जो है आपका बालकनी के लिए जो है एंट्रेंस है। और बालकनी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, और आपने बिल्डिंग तो स्टार्टिंग में देख ही ली होगी तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और सामने ही हम बात करें अपने कवर्ड की, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छा सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और डिसेंट साइज़ का आपको यहाँ कवर्ड मिल जाता है। पूरे फ्लैट में जितना भी वुडन वर्क है वो सेम हो रखा है बिल्कुल। आप डोर्स की बात करें, कोई से भी डोर्स की या कबर्ड की बात करें, तो सेम कलर की इसमें सनमाइका है, और सेम थिकनेस के आपके जो हैं डोर्स आपको ऑल ओवर फ्लैट में मिल जाएंगे। अगर मैं इस वाले डोर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा और थिक डोर आपको मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अपनी बालकनी की। सामने ही आप देख सकते हैं, और सामने ही आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आपको मिलता है। प्लस में अगर हम बात करें सामने की तरफ, आपको जो ब्लैक जो गेट दिख रहा है वो रेल विहार सोसाइटी का मेन गेट है, तो आप जो सामने ये रोड है ये 40 फिट का रोड आपका यहाँ से कनेक्ट करता है, तो मेन मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है। आप समझ सकते हैं लोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो बालकनी के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपकी 10x3 की ये बालकनी होने वाली है। इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ रख सकते हैं, पानी की भी फिटिंग्स है। और ये आपकी जो विंडो है एक आपकी वॉशरूम से कनेक्ट है, एंड देन ये आपका जो मास्टर बेडरूम है वहाँ से कनेक्ट हो रखी है। आसपास की लोकेलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी लोकेलिटी, आप चारों तरफ बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, कुछ बन चुकी है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी में आपको ये मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस वगैरह की, क्या होने वाला है, क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ऑफिस पे, और हमने जो अपना MIG फ्लैट यानी कि 2 BHK फ्लैट जो देखा था, अब उसके प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं। लोन का मैंने आपको समझाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलती है उसमें, और भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्राइस को जान लेते हैं कितने का हमको ये जो है पड़ने वाला है। तो हमारे साथ मोहित जी हैं, तो मोहित जी बताएंगे सारी डिटेल्स इसकी। मोहित जी बताएंगे कितने का हमको जो ये 2 BHK इतना बढ़िया जो हमारा फ्लैट है कितने का मिलने वाला है? ये 17 लाख रुपए की कॉस्ट है। 17 लाख की कॉस्ट है। और सर साइज वगैरह क्या होगा इसका? सर साइज है इसका 75 गज में, 75 गज का होने वाला है। अच्छा सर, अगर हम इसके जो मिलने वाली फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी सर, वो बता सकते हैं? RO, चिमनी, मॉडुलर किचन, गीजर वगैरह लगा के देंगे। अच्छा सर, लोन का क्या हिसाब किताब रहता है? प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है, वैसा 80-90% लोन हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस प्राइस की जो इतने कम में आप दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर इससे भी कोई अगर नीचे करवाना चाहे, कम ज़्यादा करवाना चाहे, तो उसमें हो जाएगा कुछ गुंजाइश? जो भी गुंजाइश है कर देंगे।
तो ऑन टेबल सब बैठ के सारी बातें हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आपने सारी डिटेल्स इसकी जान ली। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ कॉल करें, हमारे नंबर्स नीचे चल रहे हैं। और अगर आप विजिट बुक करना चाहते हैं तो फ्री विजिट बुक करें अपनी, आप इन्हीं नंबर पे कॉल करके अपनी विजिट बुक कर सकते हैं। आपको जो जैसी प्रॉपर्टी चाहिए हर टाइप की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मोहित जी, आप किस किस टाइप की और प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं? हमारे पास प्लॉट्स वगैरह भी है, 25 गज 50 गज 100 गज 200 गज। अच्छा, सब टाइप की प्रॉपर्टी, दुकानें वगैरह, फ्लैट, किसी भी टाइप का सब मिल जाएगा? 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लोर भी हमारे पास, 2 BHK फ्लोर 3 BHK फ्लोर। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो उसके लिए आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। नीचे मोहित जी का नंबर है, अभिषेक भाई का नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल पिक होगी और इजीली आप अपनी विजिट बुक करें। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।